नमस्कार के हरियाणा के डेली मंडी भाव बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है तो चलिए हम आज जिक्र करते हैं कि सिरसा मंडी में कौन सी फसल के क्या कुछ भाव रहे हैं तो ये पूरी अपडेट जो है हम आपको निरंतर दे रहे हैं डेली की डेली अपडेट दे रहे हैं कि आज कौन सी फसल किस भाव जो है वो बिकी है यानी कि अधिकतम प्राइस जो है वो कौन सी फसल का क्या कुछ रहा है तो ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि अगर आप ये वीडियो पसंद आता है और आप ये चाहते हैं कि ये बुलेटिन लगातार रहे लगातार आपको हम डेली मंडी भाव की जानकारी जो है वो पहुंचाते रहे तो इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा ताकि हर किसान तक ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस बुलेटिन के साथ जुड़ सकें आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के मंडी भाव के सिरसा जिले में अगर बात करें तो सिरसा मंडी में नरमा की सबसे पहले हम बात करते हैं तो नरमा जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए है लगातार नरमा की फसल के बाद में वृद्धि हमें पिछले तीन चार दिनों से देखने में मिल रही है तो अगर 12 तीन सौ पच्चीस की तो सात हजार दो सौ रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी है ग्वार की बात करें तो अठावन सौ पैंसठ रुपए प्रति क्विंटल रही है धान की चौदह सौ एक वेराइटी की बात करें तो सैंतीस सौ बावन रुपए प्रति क्विंटल और पीबी वन जो है तैतीसौ पचास रुपए प्रति क्विंटल रही है इसके बाद अगर 11 फरवरी की बात करूं तो 11 तो फरवरी को नरमा की फसल दस हज़ार प्रति क्विंटल बिकी थी कपास की फसल सात हज़ार प्रति क्विंटल बिकी थी सरसों की अगर बात करें तो छः हज़ार प्रति क्विंटल बिकी थी ग्वार की बात करें तो पाँच हज़ार प्रति क्विंटल धान की अगर बात करें तो सैंतीस सौ पचहत्तर रुपये है वो सैंतीस पचहत्तर प्रति क्विंटल के हिसाब से रही पी की अगर बात करें तो तैंतीस प्रति क्विंटल के हिसाब से रही 11 और 12 फरवरी के दो दिनों के बीच अगर डिफरेंस की बात करें कि कौन सी फसल में कितना उतार चढ़ाव जो है वो आया है वो अगर बात करें तो नरमा की फसल में सौ रुपए की सौ रुपये से ज़्यादा एक सौ सोलह रुपए के लगभग जो है वो अवृद्धि हमें देखने को मिली है हाँ माफ़ कीजिएगा अस्सी पचासी रुपये के लगभग जो है वो एक प्रति क्विंटल के हिसाब से वृद्धि देखने को मिली है कपास की अगर बात करें तो कपास में पाँच रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वृद्धि देखने को मिली है सरसों में चार सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वृद्धि देखने को मिली है ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार में पंद्रह रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वृद्धि देखने को मिली है वहीं अगर धान की चौदह सौ एक वेराइटी की बात करें तो इसमें जो है वो तेईस रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आ, उतार यानी कि कमी हमें देखने को मिली है यानी कि भाव आज डाउन आया है पीबी वन की अगर बात करें तो पीबी वन जो है वो पैंतालीस रुपये मंदी आ, फसल जो है वो पीबी वन की बिकी है तो ऐसे में ये था पूरा आंकड़ा आज की फसल के रेट जो है और अब ऐसे में आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर जरूर कीजिएगा